हेलो गाइस, शोम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज की वीडियो में हम एक लो पास फिल्टर बनाएंगे। वैसे मैं ये पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो लो पास फिल्टर होगा वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले जो मैंने बनाया था वो सिर्फ 50 या 60 वाट तक का लोड ले सकती थी, लेकिन आज जो बनाने वाला हूँ ये 200 से लेके 220 वाट तक का लोड ले सकती है। और इसके लिए मैंने ये ट्रांसफार्मर का कोर लिया है, या फिर इनको कच्चा लोहा भी कहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो बॉबिन है वो बॉबिन नहीं है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर टेप चिपका दिया है। तो इसी के ऊपर जो है मैं वाइंडिंग करूँगा, और वाइंडिंग के लिए मैं ये वाला तार यूज़ करने वाला हूँ, ये कॉपर वायर है। तो ऐसा दो कॉयल है मेरे पास, दोनों कॉयल को इसके ऊपर लपेट दूंगा। करीब करीब आपको 250 टन्स करने हैं दो या तीन लेयर में, लेकिन मैं दोनों को ही लपेट दूंगा इसके ऊपर में, और ये 3-4 लेयर का तो आराम से हो ही जाएगा। तो अभी इसको लपेटना शुरू करते हैं। तो वैसे बहुत हैवी होने वाला है ये कॉयल, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक लोड ले सके और जल्दी से गर्म नहीं होगी। वैसे मैं इसको भी लपेटूंगा, इन दोनों को इसके ऊपर लपेट दूंगा। वैसे मैं हाथों से ही लपेटने वाला हूँ, वैसे ड्रिल मशीन है मेरे पास, लेकिन उसके लिए फिर सेटअप बनाना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, हाथों से लपेटने से एक फ़ायदा होगा कि वायर जो है एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगी। तो चलिए मैं लपेट लेता हूँ पहले। मैंने ये देखो एक लेयर जो है वो लपेट लिया है बढ़िया से, ये देख सकते हो आप, एक भी वायर जो है वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी तो ये वाला बाकी है, तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, कॉइल कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी हो गया है। ये 7 लेयर का बन गया, मुझे लगा नहीं था कि इतनी लेयर का होगा, लेकिन ये 7 लेयर का हो गया, और टन्स तो पूछो ही मत कितना ही हुआ है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं मल्टीमीटर से। वैसे मेरे पास LCR मीटर नहीं है, नहीं आपको दिखा सकता था कि ये कितने हेनरी का बना है। ये आप देख सकते हो, दो कॉयल दोनों को लपेट दिया है मैंने इसके ऊपर में। तो अभी तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस ही चेक कर सकेंगे। LCR मीटर होता तो पता चल जाता कि ये कितने मिली हेनरी का या हेनरी का बना है। वैसे 1-2 मिली हेनरी का तो बन ही गया होगा। तो ये अब इसका रेजिस्टेंस देखो, ये 3 ओम्स का है। ये कॉइल का रेजिस्टेंस 3 ओम्स है। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करते हैं कॉइल को। सो गाइस, चलिए अभी हम टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन पहले फुल रेंज में मैं आपको सुना देता हूँ, फिर लो पास फिल्टर को लगाएंगे।
ये फिल्टर रेडी है, मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है। ये आप देख सकते हो कॉइल में प्लस लगेगा एम्पलीफायर का प्लस, और ये चार कैपेसिटर का यूज़ किया है मैंने, और कैपेसिटर को नॉन पोलर बना के यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अभी सर्किट को ट्राई करते हैं, तो रेडी हो जाइए ओनली बेस के लिए। Beethoven.